sarkarinaukri.com. This is Preety Uzlain and today I will teach you present perfect interrogative but negative sentences. Friends, present perfect ki pehchan hai chuka hai, chuke hai, chuki hai, liya hai, khaya hai, diya hai, kiya hai, is tarah ke jo kaam already complete ho chuka hai ya phir abhi tak shuru kiya hua hai. To wahan hum istemal karenge present perfect जिसकी पहचान है कोई काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है या फिर अभी शुरू ही नहीं हुआ है. तो आज हम इंटरोगेटिव के नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल है वो है हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज, हैव और हैड. तीनों के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. अब हमारे पास आई आई के साथ भी लगता है, हैव यू के साथ भी है, बी के साथ है, दे के साथ है, ही शी ये दोनों स्पेशल हो बहुत, तो इनके साथ हम हैज लगाते हैं. तो हम अपना पहले सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस हमारा कहता है क्या वे अपना व्यापार शुरू नहीं कर चुके हैं या फिर क्या उन्होंने अभी तक अपना व्यापार शुरू नहीं किया है, यानी कि क्या कोई काम अभी तक शुरू हुआ ही नहीं है. तो इस तरीके से जब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होते हैं और नॉट हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है उनके बाद ही आता है. ठीक है, तो सेंटेंस अंदर वर्ब बनाते हैं और जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, हम किस तरीके से पढ़ते हैं कि हम क्वेश्चन को ही छुपा लेते हैं. यहाँ ये क्या वर्ड जो है ये क्वेश्चन बना रहा है, लेकिन आगे का जो है वे अपना व्यापार शुरू नहीं कर चुके हैं. अब ये नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, तो सेंटेंस को बनाते ही वे अपना व्यापार शुरू नहीं कर चुके हैं. वे का मतलब हो गया दे, दे के साथ क्या लगाया है, have, और not को लगाते हैं हमेशा इसके बाद we have not. कौन सी वर्ब लगेगी, थर्ड वर्ब लगेगी. always has, have, had के साथ हमेशा थर्ड वर्ब लगेगी. they have not, शुरू करना to start, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होगी started. they have not started their business. they have not started their business. हाँ लगाया है तो क्वेश्चन था क्या वो अपना व्यापार शुरू नहीं कर चुके हैं. तो ये हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आती है ये हमारी फ्रंट में आ जाती है, यानी कि इसी से ही हमारा सवाल शुरू होता है. Have they not started their business? Have they not started their business? ये हमारा क्वेश्चन बन गया. सेकंड सेंटेंस कहता है क्या टॉम मैरी की नकल नहीं कर चुका है, या फिर क्या टॉम ने मैरी की नकल नहीं की है. एक ही बात है, अब इसको बनाते हैं. टॉम कौन है, not me, not you, some other third person. तो third person के साथ हम क्या लगाते हैं, has. क्या कुछ छुपा लिया ध्यान देंगे, Tom has, negative sentence है, not, नकल करना, imitate, लेकिन third form क्या हो जाएगी, imitated, इसको marry को. Tom has not imitated Mary. हाथ उठाया क्या देंगे, ये तो question है, तो हमारे आगे जो has है ये यहाँ से लिखे बाहर आ गए. Has Tom not imitated Mary? तो ये बात क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया. Has Tom not imitated Mary? क्या टॉम ने मैरी की नकल नहीं की है, क्या टॉम मैरी की नकल नहीं कर चुका है. एक ही बात. थर्ड सेंटेंस है हमारा क्या कानून शाह डर के प्रयोग से जनता पर अत्याचार नहीं कर चुका है, या फिर क्या कानून शाह ने डर के प्रयोग से जनता पर अत्याचार नहीं किया है. एक ही बात. तो फिर से इसको स्टार्ट करते हैं, क्या आपको बता दिया, काना शाह यानी कि द डिक्टेटर, डिक्टेटर के साथ क्या लगेगा, डिक्टेटर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर है. डिक्टेटर हैज नॉट यूज्ड फियर टू ऑप्रेस द पीपल. अब यहाँ पर हमने भाग लगाया क्या पाया, ये तो क्वेश्चन है, तो जो ये हेल्पिंग वर्ब जरूरी है यहाँ ये कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी. Has the dictator not used fear to oppress the people? अब यहाँ पर हमारे दो डर का प्रयोग यानी कि used fear और अत्याचार करना to oppress. Next question क्या कहता है? ठीक है, ये इतना हो गया. देखिए, इस sentence को हम एक और तरीके से बना सकते हैं. कैसे तरीके से? इसको मैं मिटा देती हूँ. फिर से हम क्वेश्चन को डालेंगे. क्या लिखा है? तानाशाह डर के प्रयोग से जनता पर अत्याचार नहीं कर चुका है. तो हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, द डिक्टेटर हैज नॉट ओप्रेस्ड द
the people by using fear. By using fear. The dictator has not oppressed the people by using fear. अब यहाँ पर हमने हाथ लगाया तो क्या पाया? ये तो क्वेश्चन है. तो यहाँ से जो has है वो उठ के कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा. Has the dictator not oppressed the people by using fear? क्या डिक्टेटर जनता पर अत्याचार नहीं कर चुका है डर के प्रयोग से? This is one and the same thing. Sentence making पर थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत इजी होता है. सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कौन से सेंटेंस में कहाँ लगा सकते हैं. ठीक है, अभी हमारा क्या बन गया? क्वेश्चन फोर सेंटेंस है हमारा. क्या वह अपना रास्ता नहीं भटक चुका है? क्या वह अपना रास्ता नहीं भटक चुका है? क्वेश्चन को छुपा दिया. ही के साथ क्या लगेगा? Has not रास्ता भटक जाना to go off the track. यहाँ पर वर्ब क्या है? Go, went, gone. तो यहाँ क्या हो जाएगा? Has he not gone off his track? Has he not gone off his track? हाथ लगाया, क्वेश्चन मिला, तो ये यहाँ कहाँ आ जाएगा? He has not gone off his track. क्वेश्चन में बदल जाएगा तो क्वेश्चन में बदल जाएगा तो कैसे होगा? Has he not gone off his track? क्या वह अपना रास्ता नहीं भटक चुका है? क्या उसने अपना रास्ता क्या वह अपना रास्ता नहीं भटक चुका है? फिफ्थ सेंटेंस है हमारा. क्या हम तुमसे बात नहीं कर चुके हैं? We have not talked. बात करना to talk, but from talk we have not talked to you. क्वेश्चन है, we have कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा. Have we not talk to you? क्या हमने तुमसे बात नहीं की है या हम तुमसे बात नहीं कर चुके हैं? एक बात है. तो दोस्तों ये था प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव. नेगेटिव सेंटेंसेस जिसकी पहचान थी ये, जिसका रूप था ये. नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलूंगी नई चीज लेकर. बाय द टाइम कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.